कर लिया है। आरोपी का नाम सुदेश खांडे है जो कि थाना महाकाल में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। उज्जैन के बहुत चर्चित जहरीली शराब कांड के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सुदेश खाड़े है जो कि थाना महाकाल में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। गिरफ्तार आरक्षक पर आरोप है कि उसने मुख्य आरोपी को स्प्रिट उपलब्ध कराया। थाना खारकुआ पुलिस आरोपी का मेडिकल कराने के बाद ही उसे न्यायालय में पेश करेगी। मामले में पुलिस अभी सभी 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनाम भी था, क्या था पूरा मामला? जिंजर कांड में हमारा एक आरक्षक हमने गिरफ्तार किया, उज्जैन पुलिस का सुदेश खोड़े। ये यहाँ खारकुआ थाने में पदस्थ रहा है। इसके बाद इसका ट्रांसफर यहाँ से महाकाल थाने हो गया था, तो इसकी जान पहचान यहाँ के जिंजर कांड के आरोपियों से हो गई थी। तो इसने उनको स्प्रिट उपलब्ध कराया था, ये इसकी संलिप्तता है। इसलिए प्रकरण में आरोपी था जो प्रकरण पंजीवत के बाद से फरार हो गया था, जिसे काफ़ी मेहनत प्रयास करने के बाद में हमारी SIT टीम के सदस्य निरीक्षक अरविंद तोमर के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज हम न्यायालय पेश करेंगे। सर कितना इनाम घोषित हुआ था? इसके ऊपर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। सर जिंजर कांड में अब कितने आरोपी बचे हैं या आप कहां तक जांच बची? प्रकरण के अनुसंधान में हम लोगों ने अभी तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी की मृत्यु हो गई है। अब लगभग संपूर्ण गिरफ्तारियां हो चुकी है प्रकरण में।